आपके अपने YouTube चैनल वागा साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत। दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमारी क्या है 2 मार्च से बोर्ड परीक्षा स्टार्ट है और लगातार मैं आपको क्या है तैयारी करा रहा हूँ हिंदी विषय की, क्योंकि सबसे पहले आपका 2 मार्च को हिंदी का पेपर है। लगातार मैं आपको सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो मैंने आपको क्या है आपको हिंदी की पुस्तक आरोह की, मैंने काव्य खंड, आपको गद्य खंड, ओके साथ ही आपको क्या है बितान जो आपकी दूसरी पुस्तक चलती है, उन सभी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, साथ ही वस्तुनिष्ठ भी बता दिए। नहीं देखा तो आप क्या है चैनल पर जाना है, आपको प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाना है, क्लास 12th इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2023 की आपको लिस्ट पर जाइए तो आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाएंगी इंपोर्टेंट जो मैंने वीडियो डाली है। ओके दोस्तों, तो हम क्या करने वाले हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 12वीं के आपके जो काव्य बोध होता है काव्य बोध वाला सेक्शन के उसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक देख लेते हैं तो आप क्या है बोर्ड परीक्षा में आप अपने 4 नंबर पक्का कर सकते हैं, क्योंकि आप में 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं। ओके चलिए देख लेते हैं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बताऊंगा, ऑब्जेक्ट आप प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन से और आप क्या है आप अपना परीक्षा दिन परीक्षा बोर्ड से ओके तो बन जाएगा। वैसे भी बाकी आप मुझसे कहेंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा, तो अभी क्या है क्वेश्चन आंसर बहुत सारे हैं तो मैं आपको बता दूं सिलेक्टेड वाले जो आपको अच्छे से तैयार कर लेना काव्य बोध वाले सेक्शन से। ओके तो चलिए स्टार्ट कर ले, सबसे पहले आपको तैयार करना है रस की परिभाषा और रस के भेद। ओके और सभी रस की आपको एक है आपको परिभाषा तैयार करनी है, तो एक परिभाषा याद करिएगा, उसकी एक ट्रिक होती है, एक परिभाषा याद कर लेंगे तो आपको है सभी में उसका स्थाई भाव का नाम लिखेंगे सबकी परिभाषा आपकी बन जाएगी। ओके और साथ है उदाहरण तैयार कर लीजिएगा, कोई ना कोई एक आप पूछा जा सकता है। ओके तो ये आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट जैसे इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आ सकता है बीच में कि मान लीजिए पूछा करुण रस की परिभाषा और उसका धारण दीजिए, तो आप करुण रस की परिभाषा आपको और उसका धारण आपको तैयार कर लेना है। ओके तो ये आपका दिया बी रस के आपको परिभाषा उसका उदाहरण पूछा जा सकता है, तो इसलिए कह रहा हूँ मैं कि आपको क्या है हर आपको 10 के 10 रस की आपको क्या परिभाषा उनका उदाहरण तैयार कर लीजिएगा। ओके इजी बहुत सारे इजी वाले दिए हैं उन्हें आप तैयार कर लिए आराम से तैयार कर सकते हैं। ओके तो रस वाले टॉपिक से आपको नहीं तैयार करना है। नेक्स्ट आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर, ये वाला टॉपिक आपको तैयार करना है, ये दिया है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सॉल्यूशन में आपको दिखा दिया है, तो तैयार कर लीजिएगा। अभी 5 पॉइंट दिए, 5 को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर ओके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ओके नेक्स्ट चलिए आगे देख लीजिए, तो नेक्स्ट आपका आ जाता है महाकाव्य खंडकाव्य वाला टॉपिक, तो इसमें आपको क्या करना है तो इसमें सबसे पहले आपको खंडकाव्य और महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर तैयार कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या है 2-3 आपको क्या है कम से कम दो आपको क्या करना है खंडकाव्य के नाम और उनकी रचयिता आपको तैयार कर लेना, जैसे ये दिए खंडकाव्य ओके ये कौन सा है और आप उनकी रचयिता ओके रचनाकार, इसी बार आपको क्या है महाकाव्य तो तैयार करना है और उनके रचनाकार, इस प्रकार से आपको तैयार करना है, ये दिए गए हैं आप यहाँ देख सकते हैं। ओके तो ये आपको तैयार करना है, क्योंकि आपको पता है आपके क्या है अभी अभ्यास पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे आए थे, इसलिए मैं आपसे सजेस्ट कर रहा हूँ। ओके बाकी आपको खंडकाव्य और महाकाव्य की विशेषताएं तो अंतर आप तैयार कर लेते हैं महाकाव्य और खंडकाव्य में, तो उनकी आप क्या है विशेषताएं भी लिख सकते हैं क्योंकि वही है। अगर महाकाव्य की विशेषता पूछे तो ये 5 पॉइंट आप इस साइड की तैयार करेंगे, महाकाव्य उसके आपके पॉइंट लिख देना है। ओके अगर खंडकाव्य की पूछे ऐसा पूछे तो यही आपको लिख देना है, अंतर पूछे दोनों आपको लिख देना है। ओके उस प्रकार से आपको लिखना है, तो खंडकाव्य को अच्छे से आपको तैयार करना है, इससे क्वेश्चन आ सकता है खंडकाव्य और महाकाव्य से। ओके चलिए आगे देख सकते हैं जितने प्यारे क्वेश्चन बन सकते हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट आपको अलंकार वाला टॉपिक आ जाए, तो अलंकार वाले टॉपिक से आपको तैयार कर लेना है सबसे पहले भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा और उसको उदाहरण अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके इसकी आप ले सकते हैं सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है विरोधाभास अलंकार की परिभाषा और उसको उदाहरण, ये आप देख सकते हैं। इसके नेक्स्ट आपको तैयार करना है व्यतिरेक अलंकार, ओके तो उसका परिभाषा और उदाहरण आपको तैयार कर लेना है। ओके तो आई होप आप देख चुके होंगे ये दिया है मैंने आपको, यही टॉपिक के नाम से आएगा आपको परिभाषा उदाहरण आपको लिखने का। ओके नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है आप छंद में, ओके तो सोटा छंद आपको तैयार करना है, लक्षण या उसकी परिभाषा, ओके परिभाषा तैयार कर लेते हैं और उसको उदाहरण तो भाई आपके लक्षण में भी लिख सकते हैं आप वही परिभाषा में। ओके तो आपको क्या है थोड़ा छंद दोहा और सोटा छंद आपको तैयार दोनों की तैयार कर लीजिए। ओके नेक्स्ट दोस्तों आपको आ जाता है सबसे आपका टॉपिक आ जाता है आपका शब्द शक्ति वाला। ओके तो आपको तैयार करना है शब्द शक्ति किसे कहते हैं, तो आपको पता शब्द शक्ति किसे कहते हैं उसके 3 आपको भेद पता है, आपको 3 भेद होते हैं। ओके भेद तैयार कर लेना है, जैसे आपको कहना अभिधा लक्षणा व्यंजना, तो आपको इसमें क्या करना है अभिधा लक्षणा व्यंजना तीनों की आपको परिभाषा तैयार कर लेना है, नॉर्मल परिभाषा होती है उदाहरण सहित आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। मान लीजिए आप क्या है पेपर में आपका अभिधा और लक्षणा में आपका अंतर पूछ लिया, ओके लेकिन आप परिभाषा उदाहरण तैयार कर गया है तो आपको वही लिख देना है अभिधा की आपकी परिभाषा उदाहरण बता देना, लक्षणा का परिभाषा उदाहरण यही तो आपका क्या है अंतर भी बन जाएगा। ओके तो बस आपको 3 की परिभाषा और उदाहरण अच्छे से तैयार कर लेना है, किसी भी क्वेश्चन आए अभिधा व्यंजना से तो आपसे बन जाएगा। ओके इसके बाद दोस्तों आपको क्या है आपको क्या है शब्दगुण की, तो शब्दगुण की परिभाषा उसको और आप तैयार कर लीजिएगा, उसके 3 भेद होते हैं आपको पता है माधुर प्रसाद ओज। ओके और इनके आपके करना है इनके भी आपको क्या है तीनों जो आपके दिए हैं माधुर प्रसाद ओज उनकी तीनों की आपको परिभाषा और उसके क्या है आपको उदाहरण तैयार कर लेना है। ओके तो इससे भी आपको क्वेश्चन बनेगा, अगर अंतर पूछे जाते तो भी आप बता सकते हैं। ओके सीधे बात है आपको परिभाषा उदाहरण आपको तैयार कर लेना है तीनों की। ओके तो बस आपसे इसमें से आपका क्या है यही आपसे पूछा जाता है आपके काव्य बोध से इसी प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। ओके 2 क्वेश्चन बनना है तो आपसे कोई इन्हीं टॉपिक से बन जाएगा। ओके तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही आपको हिंदी में और कौन सा टॉपिक समझना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके दोस्तों टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा जिससे मैं आपकी क्या है बोर्ड परीक्षा में पूर्ण रूप से आपकी सहायता कर सकूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।